मुसीबतें पहाड़ के तौर पर हमारे सामने आ जाती हैं और कई बार समझ में नहीं आता इनसे हमारा छुटकारा किस तरीके से होगा। यहां पर हाजिर आप तमाम लोग भिन्न भिन्न किस्म के झंझटों से, भिन्न भिन्न किस्म की समस्याओं से उलझते रहते, रास्ता नहीं समझ में आता, लेकिन एक रास्ता है उससे छुटकारे, एक रास्ता है उससे नजात। और आज हम इसी बात पर गौर करेंगे, कैसे छुटकारा मिले, कैसे हमारे जीवन में शांति आए, कैसे हमारी जिंदगी खुशी से भरे। और उसका तरीका सिर्फ एक है, हमारे जीवन की शांति हमारे जीवन में वापस आ। जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो हम अपने अजीजों की ओर दृष्टि डालते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने शौहर अपनी पत्नी अपने बच्चों की तरफ दृष्टि डालते हैं। बहुत सी बातों का जिक्र आपने अपनी गवाहियों के माध्यम से किया, लेकिन आज सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मुसीबतों के समय, परेशानियों के समय, आफतों के समय जब लगे कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई मददगार नहीं, मेरा कोई सहायक नहीं, तब एक है जो आपका सहायक है, एक है जो आपके मदद के लिए सदैव तत्पर रहता। और उसकी निगाहें खास इसीलिए हमारे और आपके ऊपर लगी रहती है कि हम उसकी ओर दृष्टि करें। लुकिंग टूवर्ड्स जीसस, लुकिंग टू जीसस। काश के हमारी निगाहें किसी मनुष्य की ओर ना हो, किसी इंसान की ओर ना हो। एक है जो राज कर रहा है, एक है जो आज भी इस दुनिया के ऊपर अपनी सत्ता को स्थापित करने में सामर्थ्यशाली। पिछले दिनों के अंदर कुछ एक चीजों पर हम गौर कर रहे थे और तब खुदा ने अपने इस कलाम को हमको दिया और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर कि उसकी सत्ता का कोई अंत नहीं है, उसके राज्य का कोई अंत नहीं। हम परिस्थितियों के वश में आकर सोचते हैं परमेश्वर की सत्ता इस जगह पर नहीं है, उसका राज नहीं है, इन परिस्थितियों में नहीं है, इन विषम परिस्थितियों में नहीं है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता उसकी उसका राज युगान युग तक बना रहता, युगान युग तक बना रहता। और इसलिए हमको उत्साहित होने की आवश्यकता है कि हमने ऐसे खुदा पर ईमान रखा है जिसका राज भूतकाल में भी था और आज भी है और हमेशा तक है। उसके राज का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। ये मनुष्य की खसलत है, ये हमारी और आपकी कमजोरी है कि हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ, हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सच बताओ, जो खुदा करेगा वही हो, जो परमेश्वर ने ठान लिया है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, कौन मुझे रोक कर मुझसे पूछ सकता है कि तू ये क्या करता है? ये वही है जो कार्य करता है। दुनिया में सुबह उसने ठहराई और रात उसी ने बनाई। वो सूरज से कहता है
एक तरफ से उगता और दूसरी तरफ उसका अंत हो जाता है। और फिर लिखा हुआ है कि वो शूरवीर की मारी, वो शूरवीर की मारी, एक योद्धा की मारी, अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए उत्साहित। हम जब विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, तो क्या हम शूरवीर की मानिंद दौड़ने के लिए एक निर्जीव चीज, एक जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, सिर्फ उसने सृजा और आज्ञा दी, वो शूरवीर की मानिंद दौड़ने के लिए तत्पर है? हम मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने प्राण दिए, अपनी श्वास दी, हम कई बार शूरवीर की मानिंद नहीं दौड़ते, नहीं कार्य करते, अपने दिमाग में हमेशा इसको हमको बनाकर रखना है कि खुदा है जो राज करता है और उसने दौड़ दी है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी दौड़ दौड़ने के लिए हमेशा लगा है, ताकि वो इनाम पाऊं जो मेरे लिए परमेश्वर ने दरपेश किया। मैं दौड़ दौड़ना चाहता हूं। आप में से हर एक शख्स एक खास दौड़ दौड़ने के लिए निर्धारित किए गए। आपको एक उम्र दी गई है कि आप उस उम्र को पूरा करें। कुछ और नहीं कहा खुदा ने, तुम इस काम को करना, तुम इस काम को करना, तुम उस काम को स्थापित करना। नहीं, स्थापित करने वाला एक है जो आसमान पर विराजमान है, जो बैठा हुआ है, जो सारी चीजों को स्थापित करता है, जो सारी चीजों को मुकर्रर करता है। हमको और आपको खुदा ने रखा है, तुम अपने काम को करो, तुम अपने काम को करो। एक निश्चित कार्य हमको और आपको करने के लिए दिया गया। क्या हम अपने काम को कर रहे हैं? क्या हम अपने काम को यथाशक्ति कर रहे हैं? मैंने इस बात को सीखा है पिछले समयों के अंदर। परमेश्वर ने जब मुझसे बातचीत करी, खुदा ने कहा मैं हूं, इसलिए जब वो कहता मैं हूं, तो हमें देखने की आवश्यकता है उस खुदा की, आपको देखने की आवश्यकता है उस परमेश्वर की ओर जो कहता मैं। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी जद्दोजहद करें, हम कुछ भी तलाश करें, हमारी तलाश, हमारी जद्दोजहद बेकार है, क्योंकि खुदा कहता है मैं राजी करता हूं, मैं राजी करता हूं, जो मैं करूंगा वही अनंत काल तक बना रहे। इसलिए करने की आवश्यकता क्या है, क्या करें हम? तब खुदा का कलाम कहता है, लुक अनटू मी, मेरी ओर देखो, मेरी ओर। एक आयत के कारण मेहरबानी से खुदा के कलाम में दी हुई है, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके आप 21 और 22 पद को पढ़ें। 21 और 22 पद पढ़िए, मेहरबानी से, क्या लिखा हुआ है? पहला पत्र दूसरा अध्याय 21 और 22 पद पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, भी गए, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए। क्या पढ़िए? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, आदर्श दे गया। तुम भी यीशु मसीह ने एक आदर्श रखा है हमारे सामने, एक एग्जांपल रखा है। खुदा यीशु मसीह भी आसमान को छोड़कर जमीन पर हमारी तरह और आपकी तरह मनुष्य होकर लेकर रहने पाया। एक बार, कई बार हम जो शिक्षा दे पाए उसको कह सकते हैं, अरे आपको क्या मालूम, आप अगर इस दुनिया में रहे होते, मनुष्य की तरह जीवन गुजारा होता, तो आपको मालूम होता कि कितनी जद्दोजहद होती है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयां हैं। जब हम अकेले होते तो हम किसकी ओर देखें? अपने बाप की ओर ना देखें तो किसको देखें? अपनी माँ की ओर ना देखें तो किसको देखें? अपने हस्बैंड की ओर ना देखें तो किसकी ओर देखें? अपने बच्चों की ओर ना देखें तो किसकी ओर देखें? आपको कुछ मालूम है? यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श छोड़ देता हूं, एक एग्जांपल छोड़ देता हूं। मैं भी जब इस दुनिया के अंदर आया तो
जिसकी ओर देख रहे हैं वो तो मट्टी का है, वो तो कमजोर है, वो तो निर्बल पात्र है, लेकिन एक है जो आपके आदर्श का कारण है और उसका नाम है यीशु मसीह। वो मट्टी का बना हुआ है क्योंकि उसकी रचना स्वर्ग में हुई, वो स्वर्ग में बनाया गया और इस दुनिया में अवतरित हुआ मरियम के मार्ग से। लिखा हुआ है पढ़िए गर्माई से, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह खुदा का बेटा, खुदा खुद इस दुनिया में दुख उठा रहा है। अगर हम और आप दुख उठा रहे हैं तो कौन सी कमाल की बात है, कौन सी बड़ी बात है। वो कह रहा है मैं भी इस दुनिया में दुख उठाकर तुम्हारे लिए आदर्श छोड़ के गया हूं। जब हम अपने दुनिया में अकेलेपन के अंदर होते हैं, हम इस दुनिया के अंदर परेशान और तन्हा होते हैं और हम दुख उठाते हैं, हमारे लिए एक आदर्श है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो एक आदर्श देकर गया है। क्या क्या है, क्या लिखा इसके आगे? तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी उसके पद चिन्हों पर। क्या है पद चिन्ह उसके, क्या है पद चिन्ह उसका? पद चिन्ह ये है, एक समय था जब उसको बुलाया गया कि जल्दी कर यहां पर चला, क्यों? क्योंकि तेरा तेरा दोस्त जिसे तू बहुत प्यार करता है वो मरने पर है, वो मरने पर है। यीशु मसीह लिखा हुआ है जिस जगह पर था वहां थोड़े दिन और है, वहां थोड़े दिन और ठहरे। और जब वहां पर पहुंचा तब उसकी बहन, किसकी बहन? लाजर की बहन, कहने लगी आए गुरु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, अरे गुरु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई हरगिज न मरता। यीशु मसीह को सिखाना मांग रहा, यीशु मसीह को सिखाना मांग रहा। उसने उससे कहा, क्या कहा? अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी, अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो बड़े बड़े काम करेगी, तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। तो कहने लगे हां मुझे मालूम है कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन तो नहीं हो। अरे तू किस बात पर, किस बात को कह रही है? पुनरुत्थान और जीवन तो तेरे सामने खड़ा होगा। सिर्फ एक शिक्षा देना मांग रहा। और यहां पर शिक्षा क्या थी? जब वो कवर कर गया तब लिखा हुआ है उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर, तब उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और एक विनती करी, एक प्रार्थना करी। और उसने क्या कहा? और उसने कहा अरे पिता तूने मेरी सुनी है, तू मेरी सदा सुनता है। यहां पर उसने मरियम को नहीं पूछा, उसने यूसुफ नहीं पूछा, उसने किसी और से दरियाफ्त नहीं करा कहां है मेरे चेले, कहां है मुझे बताओ मेरे चेले कहां गए। वो तो मेरी 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 सामर्थ हुआ करते थे, मेरा पल हुआ करते थे, मेरे साथ साथ चलने का वायदा उन्होंने किया। पिता प्रभु जब जहां तक तू चलेगा मैं हम तुम्हारे साथ चलेंगे। पत्रस तो कह रहा मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार, क्या तू मेरे लिए मरेगा? मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर तब उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और एक प्रार्थना करी अरे पिता तूने मेरी सुन ली है क्योंकि तू सदा से मेरी सुनता। किधर नाक उठा रहा है? पिता की ओर, जहां से उसकी सहायता आती है। कहां उठा रहा है? परमेश्वर अपने प्रभु की ओर उठा रहा है, कह रहा है तूने मेरी सुन ली है क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। हम लोग कहां उठाते हैं? छोटी सी तकलीफ हो जाए तो कोई सहायता दे दे, मेरा भाई मेरी सहायता दे दे, मेरा चेला मेरी सहायता दे दे, मेरी बीवी मेरी सहायता दे दे। हम आपको बताना चाहते जब तकलीफों में हो अपनी निगाहों को अपने पिता की ओर, लुकिंग अनटू जीसस, लुकिंग टुवर्ड्स जीसस, वही है जो आपकी सहायता से
सही तौर पे कहा, वही है जो आपको अपनी परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। फिर पढ़िए क्या लिखा, आगे क्या लिखा, कि तुम भी उसके पर चिन्हों पर चलो, ताकि तुम भी उसके पर चिन्हों पर चलो। ना तो उसने बात किया, ना तो उसने बात किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं। हाँ, एक और आयत निकालिए मेहरबानी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके चौथवें अध्याय के 16 पद को पढ़ें। चौथवें अध्याय के 16 पद को, 14 अध्याय, एक और ख्याल हमको रखने की आवश्यकता है, 14 अध्याय 16 पद। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ है, सर्वदा तुम्हारे साथ है। आज बता रहा हूं, अपनी आंखों को खुदा की ओर उठाओ। इसको एक दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, लीनिंग टूवर्ड्स जीसस, लीनिंग ऑन टू जीसस, मतलब अपना सर अपने खुदा के कंधों पर, अपना सर उसकी गोद में रखो। लीनिंग मतलब होता है झुक जाना, जो अपना झुकाव अपने परमेश्वर की ओर दिखाना, प्रकट करना, उसकी प्रकटीकरण करना। लीनिंग टू जीसस, खुदा के कदमों पर अपने सर को रख देना। खुदा बाबा, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दिक्कत में हूं, मैं उलझन में हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी समस्या का क्या हल है। खुदा कहेगा, बेटा मैं हूं, मैं तेरे साथ। और कभी भी खुदा आपको निराश नहीं होने देगा, कभी खुदा आपको हारने नहीं देगा। और यहां पे क्या लिखा, पढ़िए मेहरबानी से, मैं पिता से विनती करूंगा, तब मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वो तुम्हें, हाँ, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। भैया के पास गए और भैया से कहा, हमारी इस परेशानी में कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा, हम क्या तुम्हारी मदद करें, हम खुद तुमसे बड़ी परेशानी में घिरे हुए। अपने बाप के पास गए, आप हमारी मदद कर दी, वो कह रहे हम क्या मदद कर रहे, हम खुद इतने में डूबे हुए। लेकिन खुदा कहता है, तब जब तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओगे, तब जब तुम मेरे कंधे पर अपने सर को रख दोगे, जब तुम मेरी गोद में अपने सर को रख दोगे, तो मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, तुम्हारी परेशानियों का हल तुमको बताएगा, वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। लोग तुमको छोड़ने चले जाएंगे, दोस्त छोड़ने चले जाएंगे, रिश्तेदार छोड़ने चले जाएंगे, आपकी मुसीबत में आपके अजीज आपको छोड़ने चले जाएंगे। लेकिन खुदा कहता है, मैं ना तो छोड़ूंगा और मैं कभी क्या होऊंगा, बल्कि जमाने के आगे तक तुम्हारे साथ होऊंगा और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं आसमान पर जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, जो सर्वदा तक क्या लिखा है, तुम्हारे साथ है, जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा। करोगे किस पर भरोसा, करोगे किसके ऊपर इत्मीनान? खुदा है जो मदद के लायक भी है और मदद के काबिल भी है, एतबार किया जा सकता है। लोगों पर एतबार नहीं होता। सच बता रहा हूं, यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, यहूदा उसका चेला था, चुम्मी ली और बेच कर चला गया, 30 चांदी के सिक्कों में बेच कर चला गया। पतरस कह रहा है, मैं इसे जानता ही नहीं, सबसे अजीज चेला, मैं इसे जानता ही नहीं, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने तो कभी इसे देखा ही नहीं। यूहन्ना जो उसके कंधे पर रखकर हमेशा तकिया किया करता था, छोड़कर चला गया। यूसुफ का पता नहीं मिल रहा, मरियम का पता नहीं मिल रहा, लोग जिन्होंने उससे चंगाई हासिल करी उनका पता नहीं मिल रहा, और लोग दुश्मनी कर रहे हैं इसको सलीब पर। वो अपनी निगाहों को अपने बाप की ओर उठाता है, ए बाप मैं तुझसे तसल्ली पाता हूं, ए बाप मैं तुझसे इत्मीनान पाता हूं, तूने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन जब आखिर में ये परमेश्वर गुनाह के सबब से उसकी तरफ से अपने चेहरे को मोड़ लेता है, तो कहता है, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, तू तो ना छोड़े।
खुदा पर एतबार रखे, परमेश्वर पर एतबार रखे। मैं उन सब दवाई देने वालों से कहना चाहता हूं, मैं उन सब दुखी आत्माओं से बातचीत करना, जनों से बातचीत करना चाहता हूं, खुदा है जो आपका मदद करता है। सर रखिए यीशु को, कंधा सजाइए यीशु को, लेट जाइए यीशु की गोद में और कहिए, तूने जो कहा है तेरा राज्य आज से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, उसका कभी कोई अंत नहीं होगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। राज आएंगे चले जाएंगे, सत्ताएं आएंगी बिखर जाएंगी, कोई और आएगा राज करेगा, लेकिन परमेश्वर का राज आज भी दुनिया में स्थापित। वो कहता है मैं ही राजाओं को बनाता और मैं ही राजाओं को उनकी गद्दी से उतार देता, मैं राजाओं को स्थापित करने वाला हूं। ऐसे खुदा की हम इबादत करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं अपनी दुख अपनी पीड़ा की घड़ी के अंदर यीशु पर एतबार। दूसरी चीज, यीशु की तरफ देखने का क्या मतलब? यीशु की तरफ देखने का मतलब यह है कि सारी और चीजों से, सारी और दिशाओं से अपने मुख को फेर लेना। जब लोग यीशु से दुआ करते हैं ना, तो दुआ के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरे पापा कर लेंगे, फलानी चीज में मम्मी हमारी मददगार हो जाएंगी, फलाना शख्स हमारा मददगार हो जाएगा, हमने पुराने से अप्रोच लगा दी है, उसे कह दिया है ये वाली बात नहीं। खुदा से कहने का मतलब, खुदा तू ही सब कुछ। टर्निंग योर बैक टूवर्ड्स एवरीवन, टर्निंग योर बैक। अगर हमने यीशु को देखना चाहा तो यीशु को देखें, आपको सारी चीजों से अपने आप को फेर बैक कर लेना, सारी चीजों पर से एतबार को हटा लेना। अब हमारा कोई एतबार हमारा तुम्हारे ऊपर नहीं है, हमारा कोई भरोसा अब किसी और वस्तु पर नहीं है, हमारा कोई भरोसा तुम्हारे पैसे पर नहीं है, हमारा कोई भरोसा हमारे स्टेटस पर नहीं है। खुदा से कहे, खुदावा हमारा पूरा भरोसा तुझ पर। इसे कहते हैं लुकिंग टूवर्ड्स आवर गॉड, लुकिंग टूवर्ड्स जीसस, परमेश्वर को देखना। इसका ये मतलब, अगर हम अपने बैक को नहीं कर रहे तो अभी आप यीशु को नहीं देख रहे हो, अगर अपनी पीठ को अभी भी आपने यीशु की तरफ कर रहे, अगर आप किसी और की तरफ कर रहे हो तो यीशु की तरफ पीठ हो गई ना, है ना। अगर आप नीचे देख रहे हो तो ऊपर कैसे देखो, अगर ऊपर देख रहे हो तो नीचे नहीं देख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। आप साइमल्टेनियसली दोनों तरफ अपने रुख को नहीं कर सकते। तभी खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं या तो तू सर्द हो जा या गर्म हो जा, तुझमें नीम गर्म पाया था, परमेश्वर को नीम गर्म पसंद, लू वॉर्मनेस परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता या तो सर्द हो जा और या तो गर्म हो जा, या तो तू मुझे ही देख ले और या तो दुनिया पर एतबार। अपने पापा को देख लो, अपने शौहर को देख लो, अपनी पत्नी को देख लो। कई बार ये चीजें दुनिया के लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगी, कष्ट देंगी, कि आप कह रहे हो नहीं नहीं हमारा भरोसा तुम पर नहीं है, हमारा भरोसा खुदा पर है। लेकिन सच बता रहा हूं, जीत आपकी होगी। अगर आपने कहा मेरा भरोसा यीशु पर है तो जीत आपकी है। कुछ दिनों बाद वो पछेमा होगा, वो परेशान होगा, वो आगे आपसे कहेगा, ठीक किया तुमने यीशु पर भरोसा किया, क्योंकि मेरे हाथ तो सीमित थे, यीशु का हाथ असीमित। वो दूर तक बचाना जानता, वो दूर तक संभालना जाता। जब तुम समुद्र के बीच में होगे
मुझे बचा ले। अगर बहुत बड़ी परेशानियों में दिक्कतों के अंदर होंगे, आजकल टीवी के अंदर बहुत बहुत न्यूज छपती है, सुनाई जा रही, दिखाई जा रही है, सब पूरा खानदान, पूरा पूरा खानदान फंसा जा रहा किसी चीज के अंदर। कह मैं बाप फंसेगा, बेटा बचा ले, बेटा फंस गया बाप बचा ले, कहें कोई नहीं बचाएगा, किसी ने बचाएगा, सब मरे। लेकिन खुदा बाप बचाने की सामर्थ, क्यों बचाने की सामर्थ, समुद्र के बीच बचाने का कैसे सामर्थ, जो कि समुद्र का रचयिता वही है, समुद्र का बनाने वाला वही है, वो ऐसा खुदा है जो समुद्र पर चलना जानता है, पानी पर चलना जानता है, वो हवाओं पर इख्तियार रखता है, वो कह देता है ये उत्तरी हवा रुक जा, तो उत्तरी हवा रुक जा, वो आसमान को कम्बल की मानिंद लपेटना जानता है, वो जमीन को आकाश के तारों को गिनना जानता है, वो खुदा। एक और बात बताना चाहिए, बस लुकिंग टुवर्ड जीसस, लुकिंग टू जीसस, उसके अंदर एक और खास बात है, उसका मतलब ये है सिर्फ अपनी गरज से, अपनी गरज से खुदा की ओर नहीं देखना, भैया मदद हो जाएगी, 100 रुपया मिलेगा, जैसे हम लोग दशमी अशिले कहते हैं, सारा दशमान भंडार में लाओ तो फिर उसको देखो, आसमान में चलोगे खोल कर कैसे तुम पर अपरंपार बारिश करता ही नहीं, तो अपरंपार बारिश ही देखो, गिरा नोट कि नहीं गिरा है, आशीष मिली कि नहीं मिली, ये क्या है, हमारी जिज्ञासा है, हमारी अपनी गरज है, हम रुपए में परमेश्वर की मोहब्बत को तोड़ रहे हैं, हम दुनियावी चीजों के अंदर परमेश्वर की आशीषों को तोड़ रहे हैं। लेकिन लुकिंग टू जीसस का मतलब यह है, लुकिंग टूवर्ड्स अपवर्ड्स का मतलब यह है कि हम अपनी मोहब्बत का, अपनी पूरी मोहब्बत का इजहार खुदा से करें, खुदा बाप मैं तुझसे प्यार करता हूं, किसी से प्यार नहीं करता, अगर तू देगा तो ठीक और नहीं देगा तो भी ठीक, हम तुझे से प्यार। क्या कहा शत्रक विषय का ग्रंथ नमू ने बादशाह से, क्या कहा नमू का दस से, कहा अरे बादशाह इस बात को जान ले, मेरा खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं हमें आग के धधकते हुए भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी हम उसी से प्यार करते, तो भी हम उसी से प्यार करते हैं, अपने शौहर से कहोगे हम उसी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से कहोगे कि उसी से प्यार करते हैं, तुम दो चाहे ना दो, और आशीषें इसी बात पर आधारित और मबनी है, जब हम इतना कलेजा रखे कि अपने अजीज से कह दें तुम नहीं खिलाते, हमारा खुदा मुझे खिलाता, और जब हम कहते हैं आधा आधा, हाँ तुम भी खिलाते हो तो इसका मतलब तुमने अपनी पीठ को पूरा पूरा नहीं घुमाया, कैसा घुमाया, इधर भी देख ले और इधर भी देख ले, अपनी मोहब्बत को बांट दिया,